ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा एक राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कडरू स्थित हज हाउस रांची में आगामी 6 अक्टूबर को होना है। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए बोर्ड के सदस्यों ने बताया कि कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहिब के द्वारा किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दी के अतिरिक्त अन्य इस्लामिक स्कॉलर द्वारा सभा को संबोधित किया जाएगा। आयोजकों व बोर्ड के सदस्यों ने यह भी बताया कि भारत सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल 2024 पर देश के 5 करोड़ से अधिक समुदाय विशेष के लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से लोकसभा के स्पीकर द्वारा गठित जेपीसी के समक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर अपना विरोध दर्ज कराया है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस संशोधन बिल के विरोध में देश भर में इस तरह का आयोजन कर मुस्लिम समाज के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विदित हो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल लगातार जेपीसी के संपर्क में है और अपने गंतव्य से अवगत करा रहे हैं कि उक्त बिल मुस्लिम समुदाय के हित में नहीं है, ये मुस्लिम समुदाय की आस्था का मामला है, इस पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप समुदाय विशेष मुस्लिमों को बर्दाश्त नहीं होगा, इसे तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार वापस लें। जैसा कि अभी आपको मालूम हुआ कि 6 अक्टूबर 2024 की 6:30 बजे से ये प्रोग्राम हज हाउस जो कडरू में है वहाँ ये प्रोग्राम हमारा होगा। उस प्रोग्राम में ये झारखंड स्तरीय प्रोग्राम है, पूरे झारखंड के नुमाइंदे और इसमें शरीक होंगे। इस प्रोग्राम में ख़ास बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर फ़कीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब की सदारत में ये कॉन्फ्रेंस होगी और इसकी सरपरस्ती ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना फजल रहीम मदरजी साहब फरमाएंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट तमाम लोग इसमें सहयोग करेंगे ताकि ये एक अच्छा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारा अच्छी तरह से हो। इसमें पूरे झारखंड से लोग आएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट से नुमाइंदे आएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आएंगे। सरकार एक बिल लाने की कोशिश कर रही है जो मुसलमानों के पूर्वजों ने जो ज़मीनें खैरात में दी हैं जिसे वक्फ कहा जाता है और वक्फ एक्ट कानून हिंदुस्तान में ऑलरेडी मौजूद है। जिस तरह दूसरे मठों की ज़मीनें दान की हुई ज़मीनें, जिस तरह दूसरे कौमों और दूसरे समुदाय और दूसरे धर्मों की है, उसी तरह मुसलमानों के यहाँ भी जो दान की हुई संपत्ति है वो वक्फ के तहत आती हैं। भारत सरकार उसके पूरे नियमों को बदलना चाहती है और उसमें बड़े ख़तरे पैदा करना चाहती है हमारे लिए। हम मुस्लिम समुदाय ये समझते हैं कि जो कानून पहले से मौजूद है वो ठीक है, मज़ीद उसमें कुछ और बेहतरी लानी हो तो लाई जा सकती है वक्त और हालात को देखते हुए, लेकिन जिस तरह से 40 संशोधन पेश किए हैं वो तबाह कर देगी वक्फ बोर्ड के सिस्टम को, वो तबाह कर देगी वक्फ की ज़मीनों को और चोर दरवाजे से एक भारत सरकार के द्वारा उनके ख़ास दोस्तों के लिए रियल इस्टेट का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये चाहता है कि संविधान के दायरे में रहते हुए हम इस बिल को अपोज करें, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जेपीसी को जो बिल भेजी गई है उन्होंने हमसे राय मांगा। चूँकि वक्फ की ज़मीनों के स्टेक होल्डर डायरेक्ट सिर्फ मुसलमान हैं लिहाजा इस पर राय भी सिर्फ मुसलमानों से ली जानी चाहिए थी, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, षड्यंत्रण है, कॉन्स्प्रेसी है कि दरवाजे खोल दिए गए और कहा गया कोई भी राय दे सकता है, जो बिल्कुल गलत है। जब मामला कॉमन हो तो सभी लोग राय दे सकते हैं, मामला जब पैसिफिक हो किसी की खास हो तो उस पर सब लोगों को राय देने का हक नहीं हुआ करता है। तो पहली ये बहुत बड़ी साजिश हम समझते हैं, लेकिन जब राय मांगी गई तो देश के 5 करोड़ से ज़्यादा स्टेक होल्डर मुसलमानों ने राय दी है और मजबूत राय दी है और लोकतंत्र में
स्टेक होल्डर की तरफ से दी जाने वाली राय की वही इज्जत होनी चाहिए जो वोटर्स के वोट देने पर उसकी इज्जत की जाती है। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना स्टैंड बिल्कुल साफ रख रहा है, आगे और पीछे की कोई बात नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक तरफ राय देने का काम शुरू किया और दूसरी तरफ पब्लिक में बेदारी लाने के लिए वक्फ तहफ्फुज कॉन्फ्रेंस शुरू कर दिया। उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी पहली कॉन्फ्रेंस कलकत्ते में 10 सितंबर को हुई थी। अब दूसरी कॉन्फ्रेंस जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की खास कॉन्फ्रेंस है वक्फ तहफ्फुज बिल पर, वक्फ तहफ्फुज एक्ट के लिए तहफ्फुज औकाफ जो बनी हुई एक्ट ऑलरेडी है उसकी हिफाजत के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दूसरी कॉन्फ्रेंस आपके झारखंड के कैपिटल रांची में 6 अक्टूबर को करने जा रहा है। 6 अक्टूबर की शाम इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी तहफ्फुज़ औकाफ पे। उसी सिलसिले में आप लोगों को तकलीफ दी गई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आज शाम में इस पर एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी बनाने और कॉन्फ्रेंस करने और इन तमाम चीज़ों के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कन्वेनर बनाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुअज्जज रुकन जनाब हजरत मौलाना डॉक्टर यासीन कासमी साहब दामत बरकातहुम जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप इस प्रोग्राम के कन्वेनर हैं, जनाब डॉक्टर मजीद आलम साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं, शहर रांची और झारखंड के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आप काफ़ी सम्मानीय शख्सियत हैं, आपकी सरपरस्ती और आपकी रहनुमाई मिली हुई है। ये कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर लोकतंत्र और संविधान के दायरे में रहकर होगा और हम इसमें सभी लोगों को अपने पूरी कौम को आवाज़ देते हैं कि वो आएँ और अपने जगह और बेदार और जिंदा होने का सबूत पेश करें। रांची से न्यूज़ विंग के लिए रफी समी की रिपोर्ट। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।